प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2, भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ 2 से। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी इसकी कहानी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब पैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आह फुटबॉल, सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह कितना किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ घर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा फिर 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाख हो पाए। चले अब मैं समझाती हूँ ये पाठ की कहानी। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेखक क्या बता रहा है। लेखक बता रहा है कि सर्दियों का मौसम था। सर्दियों का मौसम मीन्स विंटर सीजन, आपको पता है ना विंटर सीजन कैसे कहते हैं। विंटर सीजन जिसमें बहुत ही ठंडी होती है ना, उसे विंटर सीजन कहते हैं कि नहीं, तो हिंदी में उसे सर्दियों का मौसम कहते हैं। सुबह का वक्त था, देन ये मॉर्निंग का समय था, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग था। तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा मीन्स होता है फॉगी। ठीक है, सुबह ही सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। शेर का बच्चा वो सिमट कर गोल मटोल बन के जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, इधर से ये भालू जो सैर पर निकला हुआ था, वो सुबह सैर वॉक करने के लिए निकला हुआ था सुबह सुबह। ठीक है, ये भालू जो सुबह सुबह सैर करने निकला हुआ था, लेकिन वो निकल के घर से पछता रहा था क्योंकि बहुत ठंडी थी और ठंडी की वजह से उसे
ठंडी की वजह से उसे बहुत ही ठंडी लग रही थी, उसके शरीर में गर्माहट नहीं थी, ठीक है, उसे बहुत ठंडी लग रही थी। तो वो बहुत ही पछता रहा था, तो वो सोच रहा था अरे मैं ऐसे ही घर से निकल आया, मुझे नहीं निकलना चाहिए, इतनी ठंडी है, ठंडी में मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे कुछ कुछ सोच रहा था, ठीक है। तो उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, तो उसने देखा अरे वहाँ तो एक फुटबॉल है, अगर मैं इस ठंडी में इस फुटबॉल से खेलूँगा तो मुझे अपने शरीर में गर्माहट आ जाएगी, इसलिए उसने सोचा चलो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने पैर उठाकर इस फुटबॉल को एक किक मार देता है, ठीक है। वो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर देखे वो शेर के बच्चे को किक मार देता है, वो उछाल देता है। जैसे ही वो उछालता है हड़बड़ी में शेर का बच्चा जो दहाड़ता है, दहाड़ने का बाद वो क्या करता है, एक टहनी में उसने टहनी के डाल पर एक पेड़ की टहनी में वो पकड़ लेता है, ठीक है, वो पकड़ लेता है। जैसे पकड़ता है शेर का बच्चा थोड़ा ऐसे भी थोड़ा भारी है, और ये क्या होता है टहनी जो क्या थी बहुत ही कोमल थी, पता है बहुत ही सॉफ्ट थी, वो क्या कर वो हो जाता है वो टूट जाता है, टहनी टूट जाता है। टहनी टूटने की वजह से शेर का बच्चा गिरने लगता है, जैसे ही गिरने लगता है भालू को अपने किए पर पछतावा होता है, वो सोचता है अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया, बल्कि पछताता है। और वो क्या करता है फुर्ती से दौड़ दौड़ के जाके शेर के बच्चे को पकड़ लेता है, उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन अरे ये क्या, शेर का बच्चा क्या बोलता है, शेर का बच्चा बोलता है भालू दादा मुझे और एक बार उछालो, और एक बार उछालो। कहते कहते उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, उसे उछलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू को बहुत ही परेशानी हो रही थी और वो बहुत ही थक गया था। उसने एक बार उछाला, दो बार, तीन बार, बार बार उछाला, उसने कितनी टाइम्स उछाला, बारहवीं, बारहवीं मीन्स होता है 12, ठीक है, वो 12 टाइम्स उसने उछाला, तो बहुत ही थक गया था। तो उसने इस बार क्या किया, जैसे ही 12 टाइम्स उसने ऊपर फेंका भालू वहाँ से भाग गया, अपने घर की ओर भाग जाता है, ठीक है। और जैसे भालू चला जाता और वो शेर का बच्चा जो गिर जाता है ज़मीन में धड़ाम से, ठीक है, और वो ज़मीन में धड़ाम से गिर जाता है। और जैसे वो टूट जाता है तो वहाँ से ये जो पेड़ की टहनी थी वो पेड़ की टहनी भी टूट जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद जैसे वो संभल रहा होता है तभी वहाँ पर कौन आता है, माली। माली जानते हो ना, माली किसे कहते हैं, जो बगान, बगान मीन्स गार्डन की रखवाली करता है, जैसे कि आम के गार्डन होते हैं, फलों का गार्डन होता है, जिसको रखवाली होता है ना उसे माली कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का फूल में पानी वगैरह डालने वाला जो माली होता है ना गार्डनर, वैसे ही ये क्या था, ये भी माली है, ठीक है। तो मालिक आ जाता है वहाँ पर, तो वो कहता है तुमने मेरे पेड़ की टहनी तोड़ दी, तुझे इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। वो माली जो शेर के बच्चे को कहता है तुम्हें यहाँ से जुर्माना भरना पड़ेगा। तो शेर का बच्चा क्या करता है, अरे मैं तो अभी तो गिरा, मुझे इतनी बड़ी चोट लगी, रुको ना थोड़ा सा मैं ठीक तो हो लूँ, बोलता है। तो ये क्या बोलता है, माली बोलता है, माली कहता है ठीक है तुम थोड़ा समझ जाओ, तब तक मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। जब माली वहाँ से चला जाता है जाने का बाद में, तो क्या कहता है, तो ये शेर का बच्चा जो वहाँ से जैसे ही वो माली चला जाता है वैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है। तो सोचता है वह आते आते मैं तो यहाँ से भाग लूँ, कौन उसको जुर्माना देती रहेगा, और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो क्या कहता है, जान बची तो लाख उपाय, अगर अपनी जान बची तो हम लोग लाख भी कमा सकते हैं और लाख भी कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है। बच्चों ये कहानी ख़त्म हो गई, आप सबको कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मैं आपको इसका नोट्स आपके व्हाट्सएप में भेज दूँगी, ठीक है, ओके, बाय बाय।